कि बिहार में एक मोदी है ही, तो दूसरे मोदी की क्या आवश्यकता है। तो अब देश में भी एक मोदी को रिप्लेस करेंगे दूसरे मोदी बिहार वाले। तो उन्होंने कहा कि मैं हमसे कोई कार्यकर्ता का पद भी छीन लेगा क्या, तो उनके दिल की पीड़ा थी ना, इसलिए उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं है। वो काफी दिनों से बेरोजगार थे, काफी दिनों से तिरस्कृत थे कि बिहार में एक मोदी है ही, तो दूसरे मोदी की क्या आवश्यकता है। ये बोले हैं कि नहीं बोले? कोई आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, आपको पता है ना ये बोले हैं। तो जब एक मोदी के रहते दूसरे मोदी की जरूरत बिहार में नहीं थी, तो अब देश में भी एक मोदी को रिप्लेस करेंगे दूसरे मोदी बिहार वाले। वो ये भी बोले थे कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, सुशील मोदी तो बोले ही थे, वो तो एकदम रिकॉर्ड पर बोले हैं। इतना ही नहीं बोले हैं, उसके आगे भी बोले हैं। जब उनको उप मुख्यमंत्री से हटा दिया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं हमसे कोई कार्यकर्ता का पद भी छीन लेगा क्या, तो उनके दिल की पीड़ा थी ना, इसलिए उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं है। वो काफी दिनों से बेरोजगार थे, काफी दिनों से तिरस्कृत थे, अभी उनको एक मौका मिला है, वो बोल रहे हैं। हम लोगों की शुभकामना है कि उनको कुछ मिले। मतलब सुशील मोदी जी को तो दिन भर प्रतिक्रिया देनी है, सुबह से शाम तक और कोई काम ही नहीं है। काफी दिन से तो बेरोजगार थे, अभी कुछ रोजगार मिला है तो वो प्रतिक्रिया देते रहे। लेकिन जो घटना बिहार में हुई थी, उसमें राज्य सरकार ने पूर्ण सहयोग किया था, भारत सरकार की एजेंसी। सर पूर्णिया में जो होना है, पूर्णिया का रैली तो कल मुख्यमंत्री जी बता चुके हैं ना, तो जब बता ही चुके हैं तो फिर हम सरकार पूछने। अरे पूरा कल मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत बता दिया है कार्यक्रम के बाद, उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रिया लेने का ये परंपरा सही नहीं। पीएफआई देश के लिए खतरा है। सुशील मोदी ने कहा कि आपको मुंगेर का जिला अध्यक्ष बनाया जाए। चलिए हो गया, सुशील मोदी जी को कर दीजिए, वो देश के प्रति।